हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गुरपाल एंड माई दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू बी ऑन हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेसिक्स। ये लेक्चर जो है मेरा वीडियो लेक्चर, आपको तब समझ आएगा अगर आपको स्टैटिस्टिक्स के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर होंगे। उनके लिए लिए मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो मेरी जो लास्ट वीडियो लेक्चर्स हैं वो दे रखे हैं। तो मैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है इसको स्टार्ट कर देता हूँ। अब हाइपोथेसिस क्या होता है, मैंने जैसे आपको बताया था कि जो स्टडी होती है, जो ओवरऑल फेनोमेना किसी चीज़ का या टोटल यूनिवर्स होता है, उसकी स्टडी दो तरीके से की जा सकती है। या तो हम सेंसस स्टडी कर सकते हैं, मीन्स पॉपुलेशन के हर एक यूनिट को स्टडी करना, या फिर सैम्पलिंग स्टडी कर देते हैं कि जितने भी पॉपुलेशन है उसको डिवाइड उसकी डिवीजन कर देनी और उसको उसमें से बाद में जो सैंपल है उस चीज़ को स्टडी करना। उस सैंपल के बारे में अगर हम कोई ना कोई प्रिडिक्शन लगा देते हैं, उस चीज़ को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या हो गया, द टर्म हाइपोथेसिस लिटरली मींस एन अजम्पशन और अ सपोजिशन अबाउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ सर्टेन थिंग। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिक इट मींस एन एस्टिमेशन। जैसे हम एस्टिमेशन कर देते हैं कि अगर मैं एक जो है एक कॉइन को फ्लिप करता हूँ, 10 times फ्लिप करता हूँ, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड आएगा। तो इस तरीके से अगर मैं एक ऐसे ही अपने हिसाब से अगर मैं एक एस्टिमेशन दे देता हूँ कि 8 बार जो है वो हेड आएगा, तो ये मेरा हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस फिर क्या हो गया, इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिक इट मींस एन एस्टिमेशन और अ सेट ऑफ इनफ्रेंस दैट इज़ ड्रॉन अबाउट सर्टेन वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन। तो इस चीज़ को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो हाइपोथेसिस की डेफिनेशन अगर हम करें, हाइपोथेसिस में नाउ बी डिफाइंड एज अ लॉजिकल प्रोपोजिशन। एक प्रोपोजिशन है, जैसे एक लाइन कह दी आपने कि मैं अगर कॉइन को फ्लिप करूं तो 8 बार जो है वो हेड आएगा, तो ये एक लॉजिकल प्रोपोजिशन होगी। ऑन अ पैरामीटर वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इज़ पुट टू अ टेस्ट, तो इसको टेस्ट भी किया जाता है कि एक्चुअल में वो चीज़ आएगी भी या नहीं आएगी। तो जो टेस्ट जो है अप्लाई किए जाते हैं उन चीज़ों को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का नाम दे देते हैं। सो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, अ लॉजिकल प्रोपोजिशन ऑन अ पैरामीटर वैल्यू ऑफ अ पॉपुलेशन दैट इज़ पुट टू अ टेस्ट थ्रू सर्टेन स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। कुछ एक टेक्निक्स लगा के उनका टेस्ट या वेरिफिकेशन की जाती है, टू नो इट्स वेरासिटी इट्स वेरिफिकेशन और अदरवाइज फॉर टेकिंग सिग्निफिकेंट डिसीजन ऑन इट्स एक्सेप्टेबिलिटी और रिजेक्टेबिलिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है, मान लीजिए कि मैंने हाइपोथेटिकल एक दो लाइंस वैसे ही दे दी, मैंने कह दिया द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन प्रिंटिंग पर पेज इन 5। मैं अपने एस्टिमेशन के हिसाब से बताऊं, सपोज़ मेरी एक शॉप है तो मैं प्रिंटिंग की शॉप है, तो मैं एस्टिमेशन लगा देता हूं कि ये जो मैं प्रिंट करता हूं एक पेज, उसमें प्रॉबेबल मिस्टेक्स 5 हो सकती हैं, 5 प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो ये मेरा एस्टिमेशन है, तो इस एस्टिमेशन को या इस इन्फ्रेंस को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। और इसके बाद इस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है कि एक्चुअल में जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही भी है या नहीं। मैंने ये कह दिया आपको कि जो डिफेक्ट्स हैं वो 5 हैं, पर पेज 5 डिफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो हैं वो बनी हुई हैं, जो इस चीज़ को वेरीफाई करती हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ उसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है या कितनी रिजेक्टेबिलिटी है, उस चीज़ की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं है। तो जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल हम ले लें, द नंबर ऑफ हेड्स कमिंग अपवर्ड विद द टॉसिंग ऑफ 16 अनबायस्ड कॉइन। अगर मैं 16 कॉइन्स जो हैं उनको मैं टॉस करता हूँ, तो उनकी प्रोबेबिलिटी है हेड की आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 8 है। तो ये कहाँ से, तो इस चीज़ को वेरिफिकेशन करने को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहेंगे। ये मैंने लाइन कह दी कि अगर मैं 16 अनबायस्ड कॉइन को फ्लिप करता हूँ तो मेरी प्रोबेबिलिटी हेड की आने की प्रोबेबिलिटी 8 बार होगी। तो ये कहाँ तक सही है ये चीज़, इस चीज़ को, तो सबसे पहले तो ये जब मैंने लाइन कही तो ये लाइन हाइपोथेसिस है, और इसको चेक करने को वो 8 आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो इसको चेक करने को डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बनी हुई हैं जिन्हें हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का नाम दे देते हैं। तो अब मैंने आपको हाइपोथेसिस बता दिया, हाइपोथेसिस का मतलब था दिस इज सिंपली एन एस्टिमेशन, अ सेट ऑफ इन्फ्रेंसेज, अ सपोजिशन। किसी चीज़ के बारे में कोई एस्टिमेशन लगाने को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और जब हम उसको चेक करने को डिफरेंट डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, उन चीज़ों को हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग का नाम दे देते हैं। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इनकी करैक्टरिस्टिक से हम इनको ज़्यादा समझेंगे। तो जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है इनके जो एस्टिमेशन है या जो प्रपोजल दिया जाता है, जो एस्टिमेशन दिया जाता है, जो इन्फ्रेंस दिया जाता है, तो वो प्रपोज किया जाता है सर्टेन पैरामीटर्स के बिहाफ पे। जैसे
पॉपुलेशन का मीन हो गया, या स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, या वेरिएंस हो गया, उनके रिलेशन में कोई ना कोई बात कही जाती है, उस चीज़ को हम हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं. सो इट इज़ प्रपोज्ड एट द आउटसेट ऑफ सम क्वांटिटेटिव फॉर्म, इन सम क्वांटिटेटिव फॉर्म अबाउट सर्टेन पॉपुलेशन पैरामीटर लाइक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरियंस. तो ये हाइपोथेसिस क्या चीज़ है और किसके रिलेशन में दी जाती है, ये कुछ एक पॉपुलेशन पैरामीटर के रिलेशन में दी जाती है ये चीज़. जैसे ये कह दिया गया कि अगर मैं कॉइन जो है वो फ्लिप करता हूँ तो आने की प्रोबेबिलिटी है, जो जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है, वो एक स्पेसिफिक लाइन हमने उस चीज़ को शो कर दी. तो ये चीज़ किसके रिलेशन में कही जा रही होगी, ये चीज़ कही जाती है पॉपुलेशन पैरामीटर्स के बिहाफ पे, जैसे मीन हो गया, या स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, या वेरियंस हो गया. तो सेकंड जो इसका करैक्टरिस्टिक्स मैंने स्पेसिफाई कर रखा है वो ये है, इट इज़ ड्रॉन इन अ लॉजिकल मैनर ऑन द बेस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, इंट्यूशन, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन. तो ये हम एस्टिमेशन या हाइपोथेसिस जो है उसको किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, या किस तरीके से हम अपनी बात को हाइपोथेटिकली कहते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं स्टैटिस्टिकल थ्योरी में. तो वो कौन से बेसिस पे हो सकता है, जैसे कि मैंने वही बात की कि अगर मैं 16 कॉइन्स को फ्लिप करूं तो प्रोबेबिलिटी है कि 8 बार हेड आएगा. तो मैं किस बेस पे कह रहा हूँ, या तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस होगा, या फिर मेरी इंट्यूशन कह रही होगी, या फिर मैं थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसका जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं जैसे बाइनोमियल, नॉर्मल, पॉइजन, उनके बेसिस पे कह रहा होऊंगा, या फिर लास्ट में थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, इनके बेसिस पे कह रहा होऊंगा. तो ये इसका सेकंड जो है करैक्टरिस्टिक्स है. थर्ड मैंने लिखा हुआ है कि जो हाइपोथेसिस की जो आप बात कर रहे हो ना, उसको आपने बाद में चेक भी करना होता है कि जो मैंने बात कही है वो सही भी है या नहीं है. तो उसको सही है या नहीं सही है, उस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो टेस्ट हैं, जिन्हें हम स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स कहते हैं, वो बने हुए हैं. जैसे कि मैंने कुछ एक एग्जांपल लिखी हुई है, हमारे जो सिलेबस है उसमें भी स्पेसिफिकली जो है वो दे रखे हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड एरर टेस्ट हो गया, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्केल टेस्ट एंड एफ टेस्ट, जो मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर जो है इनके बारे में दे रखे हैं. तो ये टेक्निक्स होती हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो मैंने हाइपोथेटिकल फिगर या हाइपोथेटिकल लाइन किसी चीज़ के बारे में कही है वो सही भी है या नहीं सही है. तो नेक्स्ट इसकी वैलिडिटी फाइंड होती है. तो यही टेस्ट जो हैं, जो मैंने आपको बोल रखा है, उन्हीं टेस्ट के बिहाफ पे इनकी जो वैलिडिटी है उस चीज़ को फाइंड किया जाता है, और इनको हम कहते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, या टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. इनका कितना सिग्निफिकेंस है, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सिग्निफिकेंट है भी है या नहीं है. तो ये जो टेक्निक मैंने आपको बताई, स्टैटिस्टिकल टेक्निक, इनको अप्लाई करके जब हम ये फाइंड करते हैं, टेस्ट लगाते हैं, उस चीज़ को हम कहते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस या टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस. इसके बाद इट लीड्स अस टू क्विक डिसीजन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर. जो मैंने आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ, जैसे आप जो हाइपोथेसिस है, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक लाइन या किसी एक चीज़ के बारे में हाइपोथेसिस बना के उसका टेस्ट लगा के उसकी वेरिफिकेशन कर देते हो कि ये चीज़ जो है वो सही है, तो उस चीज़ को हम पूरी पॉपुलेशन में भी अप्लाई कर सकते हैं. तो इस तरीके से ये कहा जाता है कि अगर आप सैंपल के बारे में आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हो और वो टेस्टिंग सही आ जाती है, उसका रिज़ल्ट जो है एक्यूरेट आ जाता है, तो उसी टेस्ट को आप पॉपुलेशन में भी अप्लाई कर सकते हो. आप ये मान सकते हो कि जैसे सैंपल में कोई फ़र्क नहीं आ रहा है किसी स्पेसिफिक चीज़ का, तो उसी तरीके से जो अगर हम पूरी पॉपुलेशन को स्टडी कर लें, उनमें भी कोई फ़र्क नहीं होगा. तो इस तरीके से कहा जाता है, इट लीड्स अस टू द क्विक डिसीजन अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर्स वेयर सेंसस स्टडी इज़ डिफ़िकल्ट. जहाँ पे सेंसस की स्टडी को करना पॉसिबल नहीं होता, जहाँ पे सिर्फ सैम्पलिंग की स्टडी ही एडवाइजेबल होती है, वहाँ पे सैम्पल के जो डिफरेंट डिफरेंट जो स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स बने हुए हैं, जैसे स्टैंडर्ड एरर टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, ये लगा के फाइंड किया जाता है कि सैम्पल जो है वो कितना वैलिड है. अगर वो सैम्पल की वैलिडिटी जो है वो प्रूव हो जाती है, तो हम ये एस्टिमेशन लगा देते हैं कि जो पॉपुलेशन की वैलिडिटी है वो भी प्रूव्ड है. तो इस तरीके से हम सैंपल को फर्दर हमारी जो रिसर्च होती है उसके लिए परस्यू कर सकते हैं. तो इस तरीके से हाइपोथेसिस टेस्टिंग के करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिए. इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हाइपोथेसिस कितने तरीके का होता है. ये मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको स्पेसिफाई कर रखा है. उसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो है एग्जामिनेशन में मैंने जो भी चीज़ें डाली हुई हैं, ये इनको थोड़ा डिटेल्ड में मैं आपको बता रहा हूँ. मैं इतना
सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें से बहुत बार क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा चुके हैं। तो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस ये चार तरीके के होते हैं। हाइपोथेसिस सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ द यूनिवर्स, अगर पॉपुलेशन के बारे में दिया हो तो उनके बेसिस पे दो तरीके के होते हैं हाइपोथेसिस, या सिंपल हाइपोथेसिस या कंपोजिट हाइपोथेसिस। अगर ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी हो या डिफरेंस हो, डिफरेंस के बेसिस पे दो तरीके के होते हैं जो हाइपोथेसिस हैं, उन्हें नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का नाम दिया जाता है। तो मैं एक एक करके आपको ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो सिंपल हाइपोथेसिस है। सिंपल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है इज़ वन दैट कम्प्लीटली स्पेसिफाइज अ पॉपुलेशन विद रिगार्ड इट्स बोथ सेंट्रल वैल्यू एंड डिस्पर्शन। तो ये वो चीज़ होती है जो आपको जो पॉपुलेशन का सेंट्रल वैल्यू है, यानी कि जो पॉपुलेशन का मीन है, सेंट्रल वैल्यू हम किसे लेते हैं, मीन को, और डिस्पर्शन किसे लेते हैं, हम स्टैंडर्ड डेविएशन को, जो आपको ये बता रहा है कि जो दोनों चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहा है इन रिलेशन टू सैंपल, जो पॉपुलेशन और सैंपल दोनों के सेंट्रल वैल्यू एंड दोनों का जो डिस्पर्शन होता है उन चीज़ों को स्पेसिफाई कर रहा हो, उस चीज़ को हम सिंपल हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। तो इसको कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, हाइपोथेसिस मीन ऑफ द यूनिवर्स तो एंड मीन ऑफ द सैंपल, तो इस तरीके से वो आपको इक्वल टू बता रहा है कि वो एग्जैक्टली इक्वल है, जो सैंपल का मीन है और जो यूनिवर्स का मीन है वो दोनों की इक्वल हैं। और सेकंड, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ यूनिवर्स, ये भी दोनों इक्वल हैं। आई मीन टू से ये हाइपोथेसिस आपको दोनों चीज़ों के बारे में बता रहा है। अगर कोई भी हाइपोथेसिस है, कोई भी क्वेश्चन में हाइपोथेसिस लगा हुआ है और वो आपको दोनों चीज़ों की इक्वालिटी या नॉन इक्वालिटी के बारे में कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर रहा हो, उस चीज़ को हम सिंपल हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। इसके बाद कंपोजिट हाइपोथेसिस हो, जो आपको सिर्फ एक चीज़ के बारे में बताए, या तो फिर सेंट्रल वैल्यू के बारे में बात करें जो कि मीन होता है, या फिर सिर्फ आपको डिस्पर्शन के बारे में बात करे, तो जो एक ही चीज़ को स्पेसिफाई करे, दूसरी को स्पेसिफिकेशन ना दे कि वो कौन से डायरेक्शन में है, तो उस चीज़ को हम कंपोजिट हाइपोथेसिस का नाम देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं इनकी, मैंने चार एग्जांपल स्पेसिफाई कर रखी हूँ। जैसे कि सपोज दिया हुआ है कि मीन ऑफ द सैंपल एंड मीन ऑफ द यूनिवर्स आर इक्वल, बट स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में नहीं बताया, वो जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल कैन बी ग्रेटर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन और इट कैन बी लेसर देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन। तो इस तरीके से जिसमें सिर्फ एक चीज़ के बारे में, या तो सेंट्रल वैल्यू के बारे में या फिर आपके डिस्पर्शन के बारे में, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है उनके बारे में स्पेसिफिकेशन दी हुई है, दूसरे के बारे में नहीं दी, ऐसे हाइपोथेसिस को हम कंपोजिट हाइपोथेसिस कहते हैं। एग्जांपल्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे कि अगली में हम ले लेते हैं। सपोज आपको दिया गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पॉपुलेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर सैंपल, बट आपको मीन के बारे में नहीं बताया। सेंट्रल वैल्यू जो होती है व्हेन मीन इज नॉट स्पेसिफाइड, मीन ऑफ द सैंपल कैन बी ग्रेटर देन और लेसर देन द मीन ऑफ अ पॉपुलेशन। तो इस तरीके से जो हाइपोथेसिस होता है, जो या तो सेंट्रल वैल्यू को स्पेसिफाई करे या फिर डिस्पर्शन को स्पेसिफाई करे, तो ऐसे हाइपोथेसिस को हम कंपोजिट हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। इसके बाद नल हाइपोथेसिस आता है। नल हाइपोथेसिस जो बहुत ही ज़रूरी है, जो सिंपल एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस हैं उनका ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते हमारी हाइपोथेटिकल स्टडी या डिफरेंट टेस्ट में। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हाइपोथेसिस होते हैं वो नल या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं, जिनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या होता है ये नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस है जिसमें हम ये चीज़ जो है वो इमेजिन करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, जो वैल्यू टोटल दो वैल्यूज़ हैं, अगर जो हमने सैंपल की जो वैल्यू फाइंड की है और जो हमने यूनिवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों वैल्यूज़ में कोई फ़र्क नहीं है, तो ऐसा हाइपोथेसिस जो होता है उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। ये कोई स्पेशल या स्पेशल चीज़ नहीं है, ये बस आपको ये स्पेसिफाई कर रहा होता है कि जो चीज़ आप फाइंड करना चाहते हो और जो अभी तक नहीं फाइंड हुई है, उन दोनों में आपस में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो ये नल हाइपोथेसिस है। इट इज़ प्रज्यूम्ड and stated that there is no difference between the sample statistics and population, जो आपको ये बता रहा हो कि आपने जो sample लिया हुआ है
उसके जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे क्या मतलब है? स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे मतलब है सेंट्रल वैल्यू हो गया, डिस्पर्शन हो गया, ये चीज़ें जो आपको ये बता रहा हो कि सैम्पल स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर वैल्यूज़ ऑफ पॉपुलेशन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर ऐसा एस्टिमेशन है, उस एस्टिमेशन को हम नल हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं। मैं फिर पढ़ता हूँ इसको। Which state that there is no difference between sample statistics and parameter value of a population, or that the difference between the two sample result is not significant, उनमें कोई difference नहीं, or real, or that the same could have arisen due to fluctuation of sampling, वो किसी और reason के वजह से कोई अगर फ़र्क है तो है, otherwise sampling sample में या फिर population के जो parameter values होती हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो इसको किस तरीके से represent किया जाता है? null hypothesis H zero, एच के थोड़ा सा नीचे हम ज़ीरो अगर लगाते हैं तो उसे हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और किसी भी टेस्टिंग प्रोसीजर में सबसे पहले नंबर पे नल हाइपोथेसिस को स्पेसिफाई किया जाता है, इसका यूज़ होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब होता है वो हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस के कम्प्लीमेंट्री होता है, जो उसके बिल्कुल अगेंस्ट होता है। जैसे कि नल हाइपोथेसिस सपोज मैंने ले लिया कि मीन में कोई डिफरेंस नहीं है, तो अगर मीन में डिफरेंस निकल आता है तो वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? एन अल्टरनेटिव और कम्प्लीमेंट्री टू नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सच अ हाइपोथेसिस इज ऑलवेज एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन रिलेशन टू नल हाइपोथेसिस। जैसे मैंने कोई बात कह दी है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है पॉपुलेशन का और सैंपल का वो सेम है, तो ये क्या हो गया? ये नल हाइपोथेसिस है। तो जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल एंड मीन सेम नहीं है। तो उसके जो उल्टा होता है उस चीज़, नल हाइपोथेसिस का जो कम्प्लीमेंट्री या उल्टा होता है कोई भी हाइपोथेसिस, उसे हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। और यहीं से टेल्स का पता चलता है। टेल्स दो तरीके की होती हैं, जो मैंने आप इसी लेक्चर में मैंने आगे जाके स्पेसिफाई कर रखा है, क्योंकि टेलिंग के बारे में भी क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। जैसे कि सपोज़ जो है मैंने एग्जांपल दे रखी है कि मान लो कि जो नल हाइपोथेसिस ये कह रहा है कि मीन ऑफ द सैंपल एंड मीन ऑफ द यूनिवर्स आर इक्वल, तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया? वो तीन तरीके से बन सकता है। पहला, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सबसे पहले तो हम सिंबॉलिकली दिस इज डिनोटेड एज एच वन, तो नल हाइपोथेसिस को जैसे हम एच जीरो लिखते हैं तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एच वन लिखते हैं। अगर जो है नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू मीन ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू मीन ऑफ द सैंपल, तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो गया, क्या होगा कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, या फिर मीन ऑफ द सैंपल इज़ ग्रेटर देन मीन ऑफ द यूनिवर्स, या फिर मीन ऑफ द सैंपल इज़ लेसर देन मीन ऑफ द यूनिवर्स। तो इस तरीके से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्पेसिफाई किया जाता है। इनकी टेलिंग भी होती है, ये वन टेल्ड या टू टेल्ड होते हैं, तो इनके बारे में भी मैंने इसी लेक्चर में बता रखा है नेक्स्ट जाके। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हाइपोथेसिस एरर हैं, इनमें दो तरीके की एरर्स भी होती हैं, जिसे हम टाइप वन एंड टाइप टू एरर का नाम दे देते हैं। मैंने ये इसीलिए डाला हुआ है क्योंकि इनके बारे में भी जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं और पूछे जा भी चुके हैं। तो ये सिर्फ हमारी कॉमर्स की स्टडी के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर वन में भी हाइपोथेसिस जो है रिसर्च के अंडर दे रखा है, उनमें भी समटाइम टाइप वन टाइप टू एरर के बारे में क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। तो इसको समझने के लिए, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एरर्स क्या होते हैं इनको समझने के लिए, सबसे पहले नल हाइपोथेसिस को फिर थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। मैंने आपको क्या बताया था कि सैंपल स्टैटिस्टिक्स एंड यूनिवर्स की जो स्टैटिस्टिक या पॉपुलेशन पैरामीटर्स होते हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो नल हाइपोथेसिस है। तो ये किस तरीके से एरर कमिट होती हैं? समटाइम आपको पता है कि अगर जो नल हाइपोथेसिस है अगर वो सही है तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, अगर नल हाइपोथेसिस गलत है तो उसे हमें रिजेक्ट करना चाहिए। बट समटाइम जो रिसर्चर होता है वो इस तरीके की मिस्टेक कर देता है कि जो नल हाइपोथेसिस सही है उसे रिजेक्ट कर देता है। अगर कोई नल हाइपोथेसिस सही है और उसे रिजेक्शन मिल जाए उसे हम टाइप वन की एरर कहते हैं। और सेकेंडली अगर कोई नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और अगर हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉल्स हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने पे जो एरर आती है उसे हम टाइप टू एरर का नाम देते हैं, और टाइप वन एरर को हम अल्फा कहते हैं, और टाइप टू एरर जो होती है उसे हम बीटा कहते हैं, बीटा का नाम देते हैं। तो इन द प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग वी यूजली कम अक्रॉस सम सॉर्ट ऑफ एरर्स सिंस देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी
ऑफ रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस विच इज़ ट्रू एंड ऑफ एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस विच इज़ फॉल्स एंड देर इज़ नो गारंटी दैट वी ऑलवेज एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस विच इज़ करेक्ट एंड रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस विच इज़ रॉन्ग. तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे भी एक इनका डिसीजन पैरामीटर स्पेसिफाई कर रखा है. अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो करेक्ट डिसीजन होता है. अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है उसे हम रिजेक्ट कर देते हैं तो टाइप वन एरर बन जाती है जिसे हम अल्फा का नाम देते हैं. और उसके बाद अगर नल हाइपोथेसिस फॉल्स है और उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना मीन्स टाइप टू एरर कमिट करना. तो अगर नल हाइपोथेसिस जो फॉल्स है उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो वो बिल्कुल करेक्ट डिसीजन होता है. तो इस तरीके से हम जो है ये इन चीज़ों को स्टडी करना होता है. जो रिसर्चर है ये दो तरीके की जो मिस्टेक्स हैं वो कमिट कर देता है समटाइम, जिसे हम टाइप वन टाइप टू एरर कहते हैं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आती है ये किसी भी. आपको इनके बारे में बस अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये क्या होती हैं, इनके बारे में इनसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछा जाता है. प्रैक्टिकल तो इसका खैर होता ही नहीं. उसके बाद अब मैं इनकी टेल, जैसे मैंने आपको बताया था टेल्ड टेस्ट जो होती हैं उनके बारे में बताऊं. इनके बारे में बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, मैंने आपको ऑलरेडी इसका जो लेक्चर है वो दे रखा है. मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले बताया था कि अगर आपने जो स्टैटिस्टिक्स के बारे में मेरे जो बेसिक लेक्चर्स हैं वो अंडरस्टैंड किए हुए हैं तभी आपको ये जो टॉपिक है वो समझ आएगा. अब मैं फिर से आपको थोड़ा सा नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के बारे में बताता हूँ. तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ये है, ये जो बेल शेप्ड कर्व होती है उसे हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होते हैं, इसका कहते हैं. तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो सेंट्रल पॉइंट होता है इसे हम मीन कहते हैं, क्योंकि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों इक्वल होते हैं और वो कर्व के बिल्कुल सेंटर में होते हैं. उस सेंटर में जो है ऊपर को उठी होती है कर्व, तो ये बेल शेप्ड कर्व होती है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व. इसका मतलब ये होता है इसके राइट हैंड साइड में जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं दीज फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल टू द फ्रीक्वेंसीज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द टेल. तो इसकी दो टेल्स कही जाती हैं इनको. कभी भी ये टच नहीं करता, जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे टच नहीं करता, कितना भी नेगेटिव में चले जाए, नेगेटिव में इन्फिनिटी तक ये जा सकता है, बट ये कभी भी इनको टच नहीं कर सकता. तो यहाँ पे मैंने इनकी दो टेल्स बना रखी हैं. आपको आप ध्यान से देखिए इसको, वो सबसे जो सेंट्रल वैल्यू वहाँ पे मीन लिखा हुआ है, तो मीन एक लाइन है, एक मीन के आगे एक लाइन बनी हुई ऊँची उठी हुई जो बेल शेप बना रही है इस चीज़ को. इसकी दो टेल्स हैं, एक तो राइट हैंड साइड टेल एंड एक लेफ्ट हैंड साइड टेल. अब आपको समझ आ जाएगा कि जो टेल्स होती हैं वो क्या होती हैं. टू टेल टेस्ट मतलब जब हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के दोनों साइड में हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं उसे हम टू टेल्ड टेस्ट कहते हैं. और वन टेल्ड टेस्ट वो होती है अगर हम जो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है उसके सिर्फ एक साइड में हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई करते हैं उसे हम वन टेल टेस्ट कहते हैं. और वन टेल टेस्ट दो तरीके का हो सकता है, या तो फिर राइट हैंड साइड का टेस्ट या फिर लेफ्ट हैंड साइड का टेस्ट. अब मैं आपको बताता हूँ टेल्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. आपको पता है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की दो टेल्स होती हैं, या तो लेफ्ट टेल या राइट टेल होती है. तो इसका टोटल एरिया 100% होता है, इसका 50% एरिया राइट टेल पे होता है और 50% एरिया लेफ्ट टेल पे होता है. तो जो टोटल एरिया ऑफ द कर्व इज टेकन एट 100% विच अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन. तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बेसिस पे इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, या तो रीजन ऑफ रिजेक्शन या रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस. तो इनके बेसिस पे जो है व्हेन दीज रीजन आर डिस्टिंक्टली ईयरमार्क, जब वो उन रीजन को स्पेसिफाई कर दिया जाता है किसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व में, उस चीज़ को हम कहते हैं टेल्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस. जब किसी भी टेल के किसी भी हिस्से में नल हाइपोथेसिस या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो होता है उनको स्पेसिफाई कर दिया जाए तो उस चीज़ को हम टेल्ड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस का नाम दे देते हैं. तो ये दो तरीके के होते हैं जो टेल टेस्ट है, या तो टू टेल्ड टेस्ट होता है या वन टेल्ड टेस्ट होता है. तो टू टेल टेस्ट के बारे में बताता हूँ आपको. वो टेस्ट जो दोनों हिस्सों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, टेल्ड के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों को ध्यान में रखते हुए किया जाए, उस चीज़ को हम टू टेल्ड टेस्ट का नाम दे देते हैं. व्हेन द एंटायर रीजन ऑफ रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस, रिजेक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स एंड ईच हाफ ऑफ सच अ रीजन
सच अ रीजन इज शॉन एट ईच टू टेल्स ऑफ द कर्व. तो एंड द एंटायर रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस इज शोन इन द मिडल पार्ट ऑफ द कर्व द हाइपोथेसिस टेस्ट इज मेड देयर ऑन इज कॉल्ड टू टेल्ड टेस्ट. तो यहाँ से आपको ज़्यादा पता लगेगा, मैंने एक्सेप्टेंस का रीजन जो है बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, रिजेक्शन का रीजन जो है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी थोड़ा सा और राइट हैंड साइड पे भी थोड़ा सा. तो इस तरीके का जो टेस्ट होता है उसे हम कहते हैं टू साइड या टू टेल्ड टेस्ट. ये क्यों किया जाता है, ये देखिए मैंने लास्ट में स्पेसिफाई कर रखा है. सपोज आपने नल हाइपोथेसिस ये मान लिया कि देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ अ सैम्पल एंड मीन वैल्यू ऑफ यूनिवर्स. यहाँ पे आपने नल हाइपोथेसिस मान लिया, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा कि ये इक्वल नहीं है, मीन ऑफ द सैम्पल इज़ नॉट इक्वल टू मीन ऑफ द यूनिवर्स. तो ये दो तरीके से स्पेसिफाई हो सकता है, या तो मीन ऑफ द सैम्पल इज़ ग्रेटर देन द मीन ऑफ यूनिवर्स, या मीन ऑफ सैम्पल इज़ लेसर देन मीन ऑफ यूनिवर्स. ना आपको पता है कि वो ज़्यादा है, तो ना आपको पता है कि उसे कम है. कम भी हो सकता है, सैंपल का मीन जो है वो पॉपुलेशन के मीन से कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है. इस तरीके से इसे टू टेल्ड टेस्ट कहते हैं, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल वैल्यू में तो हमेशा मीन ही आएगा, और मीन के जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टेल्ड होती है वो माइनस होती है मीन से कम, और जो राइट हैंड साइड वाली जो टेल होती है वो होती है मीन से ज़्यादा. तो क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पता है कि सैंपल का जो मीन है वो पॉपुलेशन के मीन से इक्वल नहीं है, तो बट हमें ये नहीं पता कि वो सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से कम है या ज़्यादा है. तो ऐसे टेस्ट को हम कहते हैं टू साइड टेस्ट. इसमें दोनों हिस्सों को बराबर बराबर रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का साइन लिखा हुआ है, क्योंकि वो अगर मीन जो है सैंपल का मीन पॉपुलेशन के मीन से कम हो तो वो माइनस साइड पे लिखा हुआ है, और इसी तरीके से प्लस साइड में लिखा हुआ है. तो इसे टू टेल्ड टेस्ट कहते हैं, जिसमें ये तो स्पेसिफाई कर रखा है कि दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं है, बट ये नहीं स्पेसिफाई कि कौन सी बड़ी है. तो ऐसे टेस्ट को हम टू साइड या टू टेल्ड टेस्ट का नाम दे देते हैं. उसी तरीके से वन टेल्ड टेस्ट है, जैसे कि आपको पता ही है कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व दो हिस्सों में डिवाइड करती है पूरी की पूरी जो रीजन होता है उस चीज़ को उसकी. तो फिर वन टेल्ड टेस्ट दो तरीके का हो सकता है, या तो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में. तो उसी तरीके से हम ये मैंने लिखा होगा वन टेल्ड टेस्ट. अगर तो जो जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले देते हैं, देखो मैंने यहाँ पे पहले ये पिक्चर शो की कर रखी है, उसके बाद यहाँ पे बता रखा है कि राइट टेल्ड टेस्ट क्या होता है. एक तो मीन ऑफ सपोज़ हमने पहले मान लिया कि जो मीन ऑफ द सैंपल इज़ इक्वल टू मीन ऑफ यूनिवर्स, तो ये हमने नल हाइपोथेसिस जो है वो रख लिया अपना, उस चीज़ को मान लेते हैं. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने रख लिया मीन ऑफ सैंपल इज़ ग्रेटर देन मीन ऑफ यूनिवर्स, तो यहाँ पे मैंने ये चीज़ स्पेसिफाई कर दी कि कम तो हो ही नहीं सकता, सैंपल का मीन जो है वो यूनिवर्स के मीन से ज़्यादा है. तो इस टेस्ट को हम राइट टेल्ड टेस्ट कहते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा का मतलब मीन्स प्लस का साइन, प्लस का साइन मीन्स राइट हैंड साइड पे होगा, ये इस तरीके से मैंने स्पेसिफाई कर रखा है. उसी तरीके से लेफ्ट टेल्ड टेस्ट क्या होता है, सपोज़ जो नल हाइपोथेसिस मैंने रख लिया कि मीन ऑफ द सैंपल इज़ इक्वल टू मीन ऑफ यूनिवर्स, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये रख लिया कि मीन ऑफ सैंपल इज़ लेसर देन मीन ऑफ यूनिवर्स. तो ये चीज़ जो है, क्योंकि लेसर है मीन्स नेगेटिव होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड का टेस्ट है, तो इसे लेफ्ट टेल टेस्ट का नाम दिया जाता है. तो ये किस चीज़ के रिलेशन में रखे जाते हैं, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के रिलेशन में ये टेस्ट जो है वो रखे जाते हैं. तो इस तरीके से मैंने आपको स्पेसिफाई कर दिया कि टेस्ट जो होते हैं टेल्ड टेस्ट जो होते हैं हाइपोथेसिस के दो तरीके के होते हैं, या तो टू साइड टेस्ट वो होता है जिसमें ये तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये तो स्पेसिफाई कर देता है कि जो मीन है दोनों का, सैंपल का और पॉपुलेशन का, वो इक्वल नहीं है, बट ये नहीं स्पेसिफाई करता है कि कौन सा मीन ज़्यादा बड़ा है और कौन सा ज़्यादा कम है. तो इसीलिए टू टेल टेस्ट. अगर स्पेसिफाई कर रखा है कि कौन सा, अगर यहाँ पे स्पेसिफाई कर रखा है कि सैंपल का मीन बड़ा है पॉपुलेशन के मीन से, इसीलिए राइट टेल टेस्ट, और यहाँ पे सैंपल का मीन छोटा है पॉपुलेशन के मीन से, इसीलिए लेफ्ट टेल्ड टेस्ट. तो ये टेल्ड टेस्ट के बारे में आपको बता दिया मैंने. उसके बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लास्ट पॉइंट मैंने इस बेसिक ऑफ हाइपोथेसिस में रखा हुआ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है. मैंने जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने आपको बताया था कि हाइपोथेसिस जो होता है उसका ये मतलब है
कोई एस्टिमेशन देना, कोई प्रिडिक्शन देना किसी चीज़ के बारे में, और उस चीज़ के बारे में बाद में कोई ना कोई टेस्ट अप्लाई करना, जिसे हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का नाम दे देते हैं। तो वो जो टेस्ट होता है ना, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल पे किया जाता है। आपको पता है कि आप कोई भी डिसीजन लेते हो किसी भी चीज़ के बारे में, अगर तो वो सेंसेस की स्टडी है तो वो 100% एक्यूरेट होगा, अगर वो सैम्पलिंग की स्टडी है तो चाहे कुछ भी हो जाए वो 100% एक्यूरेट होने वाला नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, आपका सिंपल सा एक रिप्लाई होता है। तो ऐसे केस में आप जो है एस्टिमेशन लगा देते हो पहले ही कि मैं कितने परसेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे इस चीज़ को स्टडी करूँगा। सपोज़ आपने 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे किया, इसका मतलब आप 5% लेवल पे आप मिस्टेक कर सकते हो, आपने ये अज्यूम कर लिया। क्योंकि कोई भी टेस्ट है, अगर हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें स्टैंडर्ड एरर टेस्ट आ जाता है, इसमें जेड टेस्ट आ जाता है, इसमें टी टेस्ट आ जाता है, इसमें काई स्क्वायर टेस्ट, इसमें जो है उसके बाद इसमें एफ टेस्ट आ जाता है। तो जितने भी टेस्ट होते हैं उनको 100% एक्यूरेसी में हम कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते, उनका कोई ना कोई कॉन्फिडेंस लेवल जो है, जिसे हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, वो रखा जाता है। सपोज़ 5% हो गया, अगर बहुत ज़्यादा ही प्रसिशन है तो फिर 1% लेवल हो गया। तो इस तरीके से इन मोस्ट ऑफ द केसेज हाइपोथेसिस टेस्टिंग सच अ कॉन्फिडेंस इज फिक्सड एट 5% लेवल, विच एम्प्लाइज दैट आवर डिसीजन वुड बी करेक्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 95%। फॉर ग्रेटर प्रसिशन such a confidence may be fixed at 1% level, which would imply that decision would be correct to the extent of 99%। तो ये जो level है इसको भी अल्फा का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब होता है टाइप 1 एरर। तो ये इस चीज़ को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। तो ये कुछ एक बेसिक्स मैंने आपको बता दिए, इसके बाद में मैं टेस्टिंग जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग है उसके बारे में आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा। मैं आपको दोबारा एक ही बात कहे जा रहा हूँ कि आपको ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको तभी पता चलने वाली हैं अगर आपने स्टार्टिंग से जो स्टैटिस्टिक्स के मेरे जो लेक्चर्स हैं उनको प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया, उसको सुना है। लास्ट में मैंने अपना नंबर स्पेसिफाई कर रखा है, अगर आपको इनके जो PDF नोट्स हैं उनकी ज़रूरत है तो आई कैन प्रोवाइड यू। एंड लास्टली आई हैव गिवन अ लिंक जिस पे क्लिक करके आप बहुत सारे MCQs उन पे अप्रोच कर सकते हो, 2000+ MCQs। एंड थैंक यू सो मच।